चाहे सौतेली हो मानता। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। कैसी तबीयत है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक है। मेरी तबीयत को क्या हुआ था? तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें फीवर हो रहा था। हाँ, तबीयत तो खराब थी ना, वो बुखार हो गया था। वो एक्चुअली क्या है कि मेरी तबीयत बहुत कम खराब होती है, जिसलिए मुझे वो आदत नहीं है ना। घर में तो बहुत टेंशन चल रही है, मनाइल का कुछ पता ही नहीं चल रहा। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि मनाइल इस तरह बगैर बताए घर से चली जाए। वो तो पेपर्स में भी सोफिया मम्मी को बताकर जाती थी। ये बात तुम कह रही हो, हैरत हो रही है मुझे। मनाइल इतनी मासूम है नहीं जितनी वो शक्ल से लगती है। मुझे तो यकीन है कि वो किसी के साथ चली गई है। मगर किसके साथ? देखो, मेरी मनाइल के साथ नहीं बनती, पर मनाइल की महनूर से बहुत बनती है और मनाइल महनूर से हर बात शेयर करती है। अगर ऐसी कोई बात होती और मनाइल का किसी के साथ अफेयर होता तो वो महनूर को जरूर बताती। और अगर ऐसा है तो मानना पड़ेगा। वैसे मनाइल है भी बहुत छुपी रुस्तम। हेलो, कौन बात कर रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, निकासी का बंदोबस्त कर लिए, सारी बातें हो गई हैं उससे। अब तू बता के निकाह कब करना है? इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज कर ले, निकाह आज ही होगा। हाँ हाँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। किसके निकाह की बात हो रही है यासे? मेरा, I mean, मेरा मतलब है कि मेरे दोस्त का निकाह है आज। वो इनविटेशन दे रहा था, वहीं पे जाना। Are you okay? I'm completely alright. वो अम्मी वेट कर रही हैं घर पे। मेरे ख्याल से चलते हैं यार बस। पर अभी तो हमने कुछ खाया ही नहीं है यासिर। कोई बात नहीं, बाहर से खा लेंगे। लेट्स गो। ऐसे? हाँ ना, चलो यार, बता दो जल्दी। मैं कितना खुश नसीब हूँ मनाइल कि मुझे तुम जैसी कजन मिली। फजूल बातें मत करो दानिया, तुम तो ऐसे कह रहे हो कि तुम कोई बहुत अच्छे हो, लड़कियां मरती हैं तुम्हारे ऊपर। इसमें कोई शक है क्या? अच्छा, कौन है वो बताओ मुझे। है यार, बहुत सारी लड़कियां। किसकी बात कर रहे हो तुम, मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी मनाइल। मुझे तो लगता है मनाइल उस लड़की के साथ भागी है जिसे बड़ी मामा को रास्ते में रोका था और धमकाया था। वैसे मानना पड़ेगा, मनाइल निकली बहुत चालाक। कितनी चालाकी से उसने अपने आप को मासूम साबित कर दिया। मुझे तो हैरत आप पर हो रही है दानियाल भाई कि उसने आपको नहीं बताया। मुझे तो लगता था वो आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती होगी। देख लें, उसने आपको भी नहीं बताया। नहीं, मनाइल ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा हो गया कि मनाइल किसी का नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं, हो ही नहीं सकता ऐसा। मनाइल कहां चली गई तुम? प्लीज वापस आ जाओ यार, प्लीज वापस आ जाओ। आइए आइए काजी साहब, आइए आ जाए। इस तरफ आए जी, आ जाए। बैठे। सलाम अलैकुम। आप लोग भी बैठे।
दुल्हन ये हैं? जी वो कुछ हालात की वजह से सादगी से निकाह करना पड़ा है, कुछ मजबूरी है। कैसे आप निकाह शुरू करें बिस्मिल्लाह। दुल्हन का नाम क्या है? मनाहिल। दुल्हन के वालिद का नाम क्या है? ये डिटेल्स पहले नहीं दी थी। डिटेल्स वो तो तुझे पता है ना, मैं तो बस मौलवी साहब को लेके आ गया। तो आने से पहले फॉर्म नहीं भरवाया? वो तो नहीं भरवाया। काई साहब ये तो बाद में भी भरा जा सकता है ना, आप अभी निकाह पढ़वाएं। ये कैसी बातें कर रहा हो बेटा, जब तक डिटेल्स नहीं बताओगे मैं कैसे निकाह पढ़ाऊंगा। वालिद का क्या नाम है? कहीं से हम ये निकाह नहीं करना चाहते, इन लोगों ने मुझे किडनैप करके जबरदस्ती यहाँ रखा, ये लड़का मुझसे जबरदस्ती निकाह कर। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें कहाँ जाना है, यहाँ पे कुछ नहीं बोलोगी? काजी साहब शायद मेरी जैसी आपकी और भी कोई बेटी होगी, आप अपनी बेटी की खातिर मेरी मदद करें। इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे यहाँ रखा हुआ है, मेरे घर वाले मेरी अम्मी बहुत परेशान है। ये सब क्या हो रहा है, आपने लड़की को अगवा किया हुआ है? काई साहब क्या कर रहे हैं आप, क्या आपका मसला थोड़ी है? आप निकाह पढ़ाएं और अपने घर जाएं, इसके पूरे पैसे दिए जा रहे हैं ना आपको। हाँ हाँ काई साहब ये सच कह रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, ऐसा निकाह नहीं पढ़ा सकता। इस्लाम में लड़की की मर्जी के बगैर शादी करना गुनाह है। अब बता निकाह पढ़ाएगा या नहीं? यासर ये तो क्या कर रहा है, मैं लग जाएगी नीचे कर गन, वरना तुझे भी मार दूंगा और इस लड़की को भी। गन नीचे रख, लग जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हेलो जी अम्मी। सूफिया तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए, आराम करे होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है ना आराम करने के लिए। मानूर बेटा आप जाओ, इन्हें कमरे में लेकर जाओगे। चलो जाओ शाबाश। मुझे कहीं जाना, मुझे मेरी बच्ची नादे में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मुझे मेरे बच्चे के पास ले चले। सूफिया तुम क्यों अपने आप को रो रो के हलकान कर रही हो? मिनाहिल को अगर आना होता तो वो आ चुकी होती। मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगी। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मिनाहिल का शोक कब तक चलता रहेगा इस घर में। मेरी बहन आप लोगों की वजह से मुसीबत में है और देख रहा हूँ मैं, सब नजर आ रहा है मुझे किसको कितनी परेशानी है। अली तुम्हारे झगड़ा करने से मिनाहिल वापस नहीं आ जाएगी, हमें भी उसकी उतनी परेशानी है जितनी की तुम्हें, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग। बल्कि मेरी तो दुआ है कि अल्लाह अल्लाह मिनाहिल को सही सलामत घर ले आए। हेलो व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? चलें, हम लोग आते हैं बस। ओके। क्या बात है बेटा, किसका फोन था? पापा वो मिनाहिल। क्या 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 मिनाहिल हैं? किसका फोन था, क्या हुआ मिनाहिल को? पुलिस का फोन था, उन्हें किसी लड़की की लाश मिली है। और उसकी डिटेल्स कुछ मनाइल से मिलती हैं, तो शराब के लिए बुला रहे हैं। बोला पागल हो गया क्या तू, कैसी बातें कर रहा, पागल हो गया क्या, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कुछ नहीं होगा मेरी मनाइल को, कुछ नहीं होगा उसे।
ए, सुन लो सारे, मेरी बहन को कुछ हुआ ना छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा सारा यहाँ पे, सबको गाड़ दूंगा मैं। दानियाल बेटा जाओ, इसके साथ कहीं उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे, चलो जाओ। जी पापा। जुबैर आप ही जाए ना साथ, बच्चों के बॉडी लानी होगी, देखें जाके। इस जगह की ना सबसे स्पेशल चाट बनवा के लाया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। वैसे आपको कैसे पता चला? मेरा भी चाट खाने का दिल कर रहा था। अरे भाई हूँ तुम्हारा, तुम्हारे दिल की हर एक बात जानता हूँ, इकलौती बहन हो तुम मेरी। बुझो क्या? क्या बुझो ना? चूड़िया। थैंक यू सो मच भाई। हैदराबाद किया, वहाँ की चूड़िया बहुत मशहूर है और तुम्हें पसंद है, तो मैंने सोचा पाने को देखा। आप बहुत अच्छे, थैंक यू। क्या हुआ मैम, मैं सब बैठ है जी। झूठ बोल रही हूँ मुझे, मेरी बहन है तुम, तुम्हारा चेहरा देख के ना मैं बता सकता हूँ। बताओ मुझे क्या हुआ? बेटा ऐसा जुदाओ क्या मुझे देख के यासिर, तुम यूं अचानक कैसे आ गए? मम्मी, वो आने से पहले मैं आपको फोन करने ही वाला था, दिमाग से निकल गया। कि तुमने अपनी हालत क्या बनाई हुई है, सामान कहाँ है तुम्हारा? मम्मी वो दोस्त के घर पे छोड़ दिया है, कर ले लूंगा। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? मेरी जैसी आपकी और भी कोई बेटी होगी, आप अपनी बेटी की खातिर मेरी मदद करें। इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे यहाँ रखा हुआ, मेरे घर वाले मेरी अम्मी बहुत परेशान है। यासिर मैं तुमसे पूछ रही हूँ, सब खैरियत है ना? आप ऐसे ही परेशान हो रही है, सफर सफर की थकन है, सफर में तो ऐसे ही कंडीशन हो जाती है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इस्लामाबाद से पैदल आए हो, 1.5 घंटे की फ्लाइट होती है बेटा सिर्फ। मम्मी मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो आराम कर लो। ठीक है जाओ। चची जान हौसला करें, देखिएगा मनाहिल को कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चे का कुछ होगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, और कैसे बाप उसकी हिफाजत नहीं कर सके। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर। कुछ नहीं होगा मनाई को, चाची जान आप प्लीज परेशान ना हो, देखेगा वो खबर झूठी होगी। मुझे तो ऐसे लगता है कि किसी ने मजाक किया है हमारे साथ। मानो जब कोई गम में होता है उसको झूठे दिलासे नहीं देते, उसका गम और बढ़ जाता है। अच्छा अपने पापा को जरा फोन करो, अचानक घर में मैयत हो जाए तो बहुत काम बढ़ जाता है, रिश्तेदारों को फोन करना, कब्र का इंतजाम करना, पूछो कहाँ रह गए। खुदा का खौफ करें आप, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक होगी, कह क्या रही हैं आप।
क्या हुआ? बताओ ना। वो हमारी मनाइल नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र। कुछ नहीं हुआ है हमारी मनाइल का। कुछ होने भी नहीं दूंगा मैं उसे। नहीं होने। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ मनाहिल, प्लीज़ मेरी मदद करो। तुम जल्दी से यहाँ पहुँचो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम प्लीज़ घर में मेरे बारे में किसी को मत बताना, वरना बड़े पापा बड़ी मामा सब मुझ पर गुस्सा करेंगे। तुम मुझे अपनी बहन समझती हो ना, इसीलिए मैंने तुम्हें ये मैसेज किया है। प्लीज़, मैंने तुमसे फर्स्ट टाइम हेल्प मांगी है। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, एक छोटी सी गलती हो गई है मुझसे, और किसी को कुछ नहीं बताना। जल्दी से इस एड्रेस पे पहुंचो। यकीन था मुझे कि तुम यहाँ जरूर आओ। जवेरिया कहाँ है और क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने क्या करना है जवेरिया के साथ? वो नहीं जवेरिया। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी चला। छोड़ो मेरा। करो। मम्मी जान को कुछ हो गया तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर सकोगे। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। चाहे सौतेली हो मानता खुदा, तू अगर थामे कहाँ चली गई थी? दिल तेरा नाम ले खुदा, चाहे सौतेली हो मानता।